हेलो, कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी जमकर कर रहे हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है, जिनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स से। और इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसी सीरीज का जो है ये 9वां वीडियो है, यानी कि वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले वीडियो 8 बन चुका है, जिसमें हर एक वीडियो में 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। वो सभी आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में भी जो है 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चन वीडियो के अंत तक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, क्योंकि रटवाते नहीं हैं, आपको सिखाते हैं, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करें, यानी कि अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी समस्या है उन मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर आइए चर्चा करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो है तीन मुख्य समस्याएं हैं। पहली, उत्पादन क्या किया जाए, दूसरी, उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरी, उत्पादन किसके लिए किया जाए। यानी अर्थव्यवस्था की तीन समस्या है। मान के चलिए कि आपके दिमाग में जो है कोई बिजनेस आइडिया आया, तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आखिर हम लोग इसे बनाएंगे कैसे, दूसरा, इसे हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, तीसरा, इसे हम लोग किसको बेचेंगे। ये सभी समस्याएं होगी। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था की तीन समस्याएं हैं जो मुख्य है। पहला कि किस चीज का उत्पादन करें, कहाँ पे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वस्तुओं और घटिया वस्तुओं में अंतर का है बताइए। तो देखिए, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में जो है बड़ी सिंपल अंतर है। पहला अंतर सामान्य वस्तु में का है, तो सामान्य वस्तुओं पर कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। सामान्य वस्तुओं पर कीमत का प्रभाव ऋणात्मक, कहने का मतलब कि कीमत घटे के चांस जो है कम होता है। ठीक है, घटिया वस्तुओं पर कीमत जो है धनात्मक होता है, मतलब वो पर कीमत जब मन तब घट जाता है। घटिया मतलब खराब वस्तुएं। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा, सामान्य वस्तुओं की जो है जब कीमत घटती है तब बिक्री ज्यादा होता है, लेकिन घटिया वस्तुओं की कीमत बढ़े या चाहे घटे, ठीक है, ओकर जो है बिक्री ज्यादा ही रहेगा। काहे कि घटिया वस्तु कीमत बढ़ेगा तो बिक्री और ज्यादा हो जाता है, आ कीमत स्थिर है तो बिका ही ले रहा है कि नहीं? तीसरी, सामान्य वस्तुओं पर जो है आय का धनात्मक प्रभाव पड़ता है। आय का धनात्मक प्रभाव कहने का मतलब सामान्य वस्तुओं जब पर जब आप खरीदेंगे, अपन पैसा लगाएंगे, तो उससे जो है आपको किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा, यानी आय का धनात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप घटिया वस्तु खरीद लेंगे तो आपके आय पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी आप घाटा में चल जाएंगे, है कि नहीं? दूगो हो गया अंतर। दूगो क्वेश्चन आपको जो है याद भी हो गया होगा, है कि नहीं? आइए सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय एवं उत्पादन के चक्रीय प्रभाव को दर्शाएं। देखिए, एक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था जेकर मालिक जो है तीन गो होके, उसी अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप जो है एगो अपन घर में बिजनेस किए, तो घर में बिजनेस किए तो आप उसके मालिक खुद हैं। जैसे पावरोटी बनावे के वो आप बिजनेस किए, उसके मालिक खुद है, आपको कितना पावरोटी बनाना है, कितना बेचना है, ठीक है, आप मालिक हुए। दूसरा मालिक हुआ जिसके पास आप बना के सामान को दे रहे हैं, कैसे? तो वो कहेगा कि आज हमारा 50 गो पावरोटी चाहिए, तो आपको आज बना के देना होगा, यानी वो भी मालिक हुआ। आ तीसरा कौन हुआ, आप जो है पावरोटी बना रहे हैं, कमा रहे हैं, तो एकर बदला में सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार भी एक तरीके से आपकी मालिक हो गई। तो ई होगा तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय एवं उत्पादन के चक्रीय प्रभाव का होता है।
तो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह होता है कि हम जो है दुकानदार से कमाएं, दुकानदार जो है जनता से कमाए, जनता सरकार से कमाए और सरकार फिर जो है आपसे टैक्स के रूप में वापस ले ले। ठीक है, यह होता है आय का चक्रीय प्रवाह। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है, स्थिर तथा लोचशील विनिमय दर में अंतर का है बताइए। तो देखिए, स्थिर तथा लोचशील विनिमय दर में बस छोटा सा अंतर है। कैसे देखिए, स्थिर विनिमय दर में जो है क्या होता है कि पूरा जो है सरकार के द्वारा तय किया जाता है कि कितना में बिकेगा या कितना में बेचना है चाहे कितना में खरीदना है, यानी स्थिर विनिमय दर सरकार के द्वारा तय किया जाता है। दूसरी, लोचशील विनिमय दर जो होता है सरकार भी तय करती है और जिसका पर्सनल बिजनेस होता है वो भी तय करता है, यानी दो को मिल के तय करता है। ठीक है, स्थिर विनिमय दर में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो है ये केंद्रीय बैंक द्वारा तय किया जाता है। मतलब कि स्थिर विनिमय दर जो है सरकार तय करती है और सरकार का कौन, तो केंद्रीय बैंक तय करता है। लेकिन लोचशील विनिमय दर में जो है क्या होता है कि विदेशी मुद्रा की मांग कितना है और उससे इनकम का हो रहा है ये तय करता है लोचशील विनिमय दर। ठीक है, स्थिर विनिमय दर का होता है तो स्थिर विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तो इसका नाम है स्थिर विनिमय दर। लेकिन लोचशील विनिमय दर में मांग जो है घटते बढ़ते रहता है, यानी परिवर्तन होते रहता है। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी गणना की समस्या से क्या आप समझते हैं, यानी क्या तात्पर्य है? दोहरी गणना मतलब कि दोबारा गिनती करना। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आय का दोबारा गिनती किया जाता है तो उसे ही हमनी के कहते हैं का तो दोहरी गणना। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है टैक्स दिए सरकार को और सरकार के पास टैक्स पहुंचबे नहीं किया, तो सरकार जो है आपसे दोबारा जो है कहेगी, मैसेज करेगी कि क्या आपने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, तो आप तो कहेंगे कि हाँ हम भरे हैं, यानी दोबारा आपसे पूछी है, तो दोहरी गणना की है। और दोहरी गणना करे से क्या होता है, सरकार को जो है प्रॉफिट होता है, इसीलिए सरकार दोहरी गणना करता है। ठीक है, तो दोहरी गणना की समस्या से क्या तात्पर्य है, तो दोहरी गणना की समस्या से यह तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय की गणना जब दोबारा की जाती है तो उसे हमनी के कहते हैं दोहरी गणना, जिससे सरकार को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं। कल के भी जो है वीडियो में हम आपको बताए थे भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं। भुगतान शेष से मतलब कि कोई देश से जो है सामान हमनी के लिया रहे हैं और कोई देश में जो है सामान हमनी के भेज रहे हैं, यानी विदेशों से आयात निर्यात हो रहा है। आयात मतलब कि सामान लाना, निर्यात मतलब सामान भेजना। तो जब विदेशों से आयात निर्यात होता है आ सामान कभी हमनी यहाँ ज़्यादा चलाता है और चाहे सामान ओकनी यहाँ कहियो ज़्यादा चल जाता है, तो उसी शेष को हमनी के कहते हैं शेष भुगतान। ठीक है, यानी आयात निर्यात में जो है जब ज़्यादा सामान चल जाए, कम सामान आ जाए, तो उसे ही जो है भुगतान शेष हमनी के कहते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड माई डियर। नेक्स्ट है, गिफिन विरोधाभास को संक्षेप में समझाएं कि आखिर ये गिफिन विरोधाभास जो है क्या होता है, आइए समझाते हैं। गिफिन विरोधाभास यानी आप बाजार से दो गो वस्तु खरीदे गए, एक गो वस्तु जो है आप सर्वोत्तम खरीदे मतलब एकदम कंपनी या ब्रांड के खरीदे, एक गो वस्तु जो है आप घटिया खरीद लिए, तो क्या हुआ कि गिफिन विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अब कैसे कहेंगे उत्पन्न हुआ, घटिया वस्तु जो आप खरीदे हैं तो घटिया वस्तु के जो है क्या होता है, दाम कम होता है तो वो ज़्यादा बिकता है। घटिया वस्तु दाम कम होता है तो ज़्यादा बिकता होता है। देखिएगा, मॉल में जो है 50 रुपया में टी शर्ट बिकता है, 99 रुपया में टी शर्ट बिकता है, कहे के मतलब सबसे घटिया चीज़ है। आदमी देखता है कि अरे ऑफर आइल है, नहीं वो घटिया चीज़ है, तो घटिया चीज़ के दाम बढ़ता है तो ज़्यादा बिकता है। लेकिन जो श्रेष्ठ वस्तु होता है कंपनी का ब्रांड का, दाम बढ़े चाहे घटे
ओकर जो है कौनो वैल्यू कम नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं हमने के गिफिन विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कहेंगे कि सर आप इतना बढ़िया समझाते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप नोट्स काहे नहीं देते हैं। भाई नोट्स आपको देते हैं हम, और क्रैश कोर्स में नोट्स है आपके क्या बोलते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट के, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट के। आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है SGS क्लासेस, और डाउनलोड आप कर लीजिएगा तो आपको जो है इसमें सभी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर जो है न्यू यूजर पे क्लिक करके, अगर आप कभी इस ऐप का यूज नहीं किए हैं तो अपन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल दीजिए और उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद खोलिएगा तो क्रैश कोर्स ज्ञानोदय बैच आर्ट्स वाला खुलेगा, उसको आप खरीद लीजिए। 499 रुपये के हैं, जानते हैं एकरा में उतना सब कुछ है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, वेरी गुड। आइए सर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है साधन के घटते प्रतिफल के नियम को समझाएं। यानी साधन के घटते प्रतिफल के नियम का होता है, मान के चलिए कि फैक्ट्री में आप 20 गो मशीन लगाए हैं, लेकिन एगो मशीन पे आप भार ज़्यादा दे दिए हैं, मतलब एगो मशीन से ज़्यादा आप सामान बना रहे हैं, तो वो जो है मशीन का तो 10-20 दिन बाद का होगा खराब हो जाएगा। तो आपका साधन एगो कम हुआ कि नहीं, 20 गो आप मशीन लगाए थे, एगो मशीन पे भार आप ज़्यादा दे दिए तो एगो मशीन 20 दिन बाद खराब हो जाएगा, यानी आपकी साधन एगो गया तेल ना पे। तो साधन में जो है घटती हुई है कि नहीं, तो क्या कहते हैं साधन के घटते प्रतिफल नियम को समझाएं। तो साधन के घटते प्रतिफल का यही नियम है कि जो भी आप साधन प्रयोग कर रहे हैं मतलब मशीन, उसका जो है बराबर मात्रा में उपयोग करें। ये नहीं कि एगो पे जो है ज़्यादा भार दे दिए, एगो पे कम भार दे दिए, तो ज़्यादा भार दे दिए हैं वो तो जाएगा तेल ना पे, तो आपका एगो साधन कम हो जाएगा, तो वह जो है साधन का घटता प्रतिफल कहलाएगा। बात समझ गए, बिल्कुल। आइए, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋण दाता है कथन को स्पष्ट करें। देखिए, केंद्रीय बैंक मतलब कि RBI समझ लीजिए, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है अंतिम ऋण दाता है, मतलब कि आखिरी जब सगरों से उम्मीद आपको नहीं है कि लोन नहीं मिलेगा, तो ये केंद्रीय बैंक जो है अंतिम ऋण दाता है, यानी लास्ट में यह देगा। इस कथन को बताइए कि कितना सत्य है, एकदम सत्य है इस बात में। कोई प्राइवेट बैंक को जब सगरों से लोन नहीं मिलता है तो प्राइवेट बैंक जो है केंद्रीय बैंक के पास जाता है, केंद्रीय बैंक इसको लोन देता है मतलब ऋण देता है, कहता है कि ब्याज जो है ज़्यादा लेंगे। अब ब्याज ज़्यादा लेता है तो कह सकते हैं हम कि केंद्रीय बैंक जो है अंतिम ऋण दाता है, मतलब लास्ट में आपको कोई लोन नहीं देगा तो केंद्रीय बैंक ही देगा। ठीक है, लेकिन ब्याज ज़्यादा लेगा। और ये केंद्रीय बैंक जो है क्या करता है, तो सरकार की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करता है किसी को लोन देके। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के 3-3 स्रोत बताएं। विदेशी मुद्रा के मांग, यानी हमने के भारत में है तो भारत में रुपया चलता है, तो हमने के विदेशी मुद्रा के मांग काहे करते हैं, मतलब डॉलर इसका मांग काहे करते हैं, ताइए हम आपको समझाते हैं। विदेशी मुद्रा के जो है मांग के कारण है कि विदेशों से सामान को खरीदना पहली, दूसरी कि विदेशी मुद्रा का वैल्यू जो है हमने के यहाँ के रुपया से ज़्यादा है, तीसरी विदेशी मुद्रा जो है सभी देशों में चलता है जिसके कारण विदेशी मुद्रा का मांग हम लोग ज़्यादा करते हैं। आप विदेशी मुद्रा से हमनी के उन सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं जो हमनी के यहाँ नहीं है, तब विदेश से विदेशी मुद्रा से खरीद के लाएंगे, हमनी के यहाँ रखेंगे, तो इसीलिए विदेशी मुद्रा का मांग जो है ज़्यादा है। भाई समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट है मांग एवं पूर्ति वक्र की सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को समझाएं। मांग एवं पूर्ति वक्र की सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को समझाइए। तो देखिए, मांग एवं पूर्ति वक्र की सहायता से जो है आप बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, शुद्ध प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु के बल एक ही विक्रेता होता है। चलिए हम आपको पहले भी समझाए हैं प्रतियोगिता बाजार, जैसे आप कोई बाजार में गए, ठीक है,
बाजार में गए और जेकरा में दुकानदार जो है कोई एके गो है। अब दुकानदार कोई एके गो है तो ओकर जितना में मन करेगा उतना में जो है वो वस्तु को बेचेगा, या तो 1 रुपया में बेच देवे चाहे 1 करोड़ में बेचे। बाजार एके गो है, दुकानदार एके गो है, आप का करेंगे? आप तो अपन जरूरत के सामान लेवे करेंगे, लेंगे कि नहीं? एकदम लेंगे। तो यहाँ उहे होता है, मांग एवं पूर्ति वक्र की सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को समझाएं। तो मांग एवं पूर्ति वक्र की सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एगो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, जहाँ पे वहाँ पे विक्रेता एक एक होता है लेकिन ग्राहक बहुत सारा होता है। बात समझ गए? नहीं समझे हैं तो नोट्स में जो है सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। वीडियो देखने के बाद एक बार नोट्स को आप पढ़िए, उसके बाद आप कभी भी नहीं भुलाएंगे। बात समझ गए? वेरी गुड। और ऐसे ही तैयारी करते रहिए, एग्जाम में समय कम है, आपको पढ़ना ज़्यादा है। और बाकी जिनको इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो देखे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।